मीनाक्षी गुप्ता, मनीष गुप्ता की पत्नी। शाही साहब, शाही साहब मैं आ रहा हूं आपके पास, प्लीज। शाही साहब, मीनाक्षी गुप्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। मीनाक्षी गुप्ता से हम बात करेंगे। मीनाक्षी जी, बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। हालांकि ये समय नहीं है कि आपसे बात करी जाए, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि आपके दर्द को थोड़ा सा जरूर हमसे साझा जरूर करिए। उस दौरान कब आपको क्या पता चला, मौके पर क्या हुआ था, और जब आप मौके पर पहुंची तो क्या स्थितियां थी वहां पे? देखिए, कैसे क्या हुआ ये मैं कई बार आप सभी को बता चुकी हूँ, तो थोड़ा सा सपोर्ट करिए, उस चीज को बार बार मत पूछिए। वहां पहुंच के मुझे क्या हुआ उसकी बात रही, तो वहां मुझे गोरख पुलिस से जो सहायता चाहिए थी, जो मदद चाहिए थी, वो नहीं मिली। जबकि सीएम जी ने पहले ही ये निर्देश सुबह ही दे दिया था कि इनकी पोस्टमार्टम पैनल के थ्रू होगी और इनकी एफआईआर दर्ज की जाए। जबकि सुबह कह देने के बाद भी गोरखपुर पुलिस ने साथ नहीं दिया, ना मेरी एफआईआर आसानी से दर्ज करवाई और पैनल भी मैंने बोला, तो कुछ चीजें ऐसी थी कि दिक्कत थी वहां। मैं और मेरे बुजुर्ग पिताजी, बुजुर्ग ससुर जी और मेरे 4 साल का बेटा और मेरा भांजा गया था, तो उस समय मैं बहुत हताश और अकेली थी। तो मुझे अपने पति को देख के बहुत ही बुरा लगा कि वो शहर पुलिस वालों ने मिल के इतनी बेरहमी से मारा है, मतलब इतनी बुरी तरह। ऐसे हर डिग्री कौन देता है, वो भी सिर्फ चेकिंग के लिए। ऐसा क्या उन्होंने बोल दिया, यही तो बोला कि क्या मैं आतंकवादी हूँ जो इस तरह चेकिंग कर रहे हो। कोई भी पुलिस वाला गाली देगा, कोई भी बदतमीजी करेगा रात के 12:30 बजे, तो जो सो रहा होगा इंसान, सो के उठेगा तो क्या बोलेगा, ऐसे ही कहेगा ना कि आप इस तरह बिहेव क्यों कर रहे हो। इसी सी बात के लिए पति को मार दिया, इस बात का मुझे बहुत बेहद अफसोस है। मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए, आप सबसे मदद की गुहार लगाती हूँ कि प्लीज मुझे इंसाफ दिला दिया। बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे खुद के रोंगटे जो हैं वो खड़े हो जा रहे हैं। मीनाक्षी जी, बहुत 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 धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। शाही साहब, बात अपनी पूरी कीजिए, आपने सुना मीनाक्षी क्या कह रही थी। तो दुखद है, तो क्या कहने का, सुनने का मन कोई नहीं भर सकता। ये ऐसा दुख है जो कोई नहीं भर सकता, शब्दों से तो भरा ही नहीं जा सकता। मैं अपनी बात बताऊं तो मैं इनसे आगे दूसरा कोई सवाल नहीं पूछ पाया, और वो स्थिति भी नहीं है कि आप सवाल लें। बस इनको सरकार, ये आश्वासन मैं देना चाहूंगा कि सरकार तन्मयता से जुटी हुई है और इनको न्याय मिलेगा। शाही साहब, ऐसा कैसे हो सकता है कि पुलिस के पास इतना राइट भी कैसे हो सकता है कि कोई आदमी अगर अपने घर में सो रहा है तो धड़ाधड़ पुलिस पहुंच जाती है, जबकि वो कोई अपराधी भी नहीं था, उसके घर में घुस जाती है, उसके कमरे में घुस जाती है। आप सबको इन सब चीजों पर विचार करना बहुत जरूरी है। एकदम जरूरी है, एकदम जरूरी है। और पुलिस, देखिए होता क्या है कि पुलिस मतलब कभी कभी रैंडम चेकिंग करती है, चेकिंग करना उनका काम है सर, खाली एक कमरे पे चेकिंग नहीं, एक कमरे की बात नहीं होती है। उसका सिस्टम ये होता है कि होटल के मालिक को लिया जाए, होटल में जितने लोग ठहरे हुए उनका रिकॉर्ड चेक किया जाए और रैंडमली किसी कमरे की चेकिंग हो जाती है, ये पूरे लेकिन ये सिस्टम में मारना और हत्या कर देना मारने के बाद वो नहीं होता है। चेकिंग होती है, अगर संदिग्ध लगते हैं तो उनको थाने ले जाकर पूछताछ होती है और उसके बाद उनको निर्दोष साबित होने पर छोड़ दिया जाता है। ये होता है, पूरे देश में होता है नितिन जी, ये पुलिसिंग में ये चीज आती है। लेकिन उनको मारना सबसे बड़ा तो मानवाधिकार का उल्लंघन है। उन लोगों ने गलत किया, मैं मान रहा हूं, तभी तो मुकदमा दर्ज हुआ है और हम आज बैठकर मान रहे हैं इस चीज को कि नहीं, उन लोगों ने गलत किया है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि कतिपय पुलिस वालों के, थोड़े से पुलिस वालों के उसके चक्कर में पूरे प्रदेश की पुलिस को कटघरे में खड़ा करना भी वाजिब नहीं है। हम सबसे 30-30 सेकंड का लास्ट कमेंट लेंगे, उसके बाद इस डिबेट को फिनिश करेंगे। संजय सिंह जी, 30 सेकंड, अब आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए सरकार की और कैसे इस सिस्टम को सुधारा जाए? देखिए, मुझे तो सरकार से इस मामले में कोई उम्मीद नहीं दिख रही। मैं तो माननीय उच्च न्यायालय से, आपके चैनल के माध्यम से, मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि इस मामले को संज्ञान लेकर अपनी निगरानी में इसकी CBI जांच कराए, अन्यथा उत्तर प्रदेश सरकार से मुझे कोई उम्मीद नहीं। आकाश जी, 30 सेकंड, सरकार से क्या कहना चाहेंगे और
उसको परिवार से जनता से क्या कहना चाहिए? बहुत सारे मामले आए, हाथरस वाला हुआ, अभी ये कांड हुआ, इसके पहले विवेक तिवारी का कांड हुआ था, इसके पहले और इनका एक एसपी फरार है इंद्रमणि त्रिपाठी, जिसने व्यापारी से वसूली के चक्कर में व्यापारी ने आत्महत्या कर ली थी और वो जो पत्र लिखा था वो लिखा था कि ये हमको मां जान से मारने की धमकी दे रहे हैं तो मैं खुद ही आत्महत्या करूं, वो भी फरार है। तो ये पुलिस आज यहां पहुंच चुकी है कि इनके एसपी तक को पकड़ नहीं पा रही, कई महीनों का केस हो गया। तो मैं चाहता हूं कि सरकार जल्द से जल्द इसको ध्यान दे, और ये जो आम आदमियों के साथ ये जो हरकतें हो रही, जिनका पूरा परिवार चौपट हो रहा है, आज हम सब ने सुना मीनाक्षी जी को, हमारे रोंगटे खड़े हो गए। मैं आपको बता रहा हूं, सोच कर देखिए उस परिवार के बारे में जहां बुजुर्ग पिताजी हो और बच्चा 4 साल का हो, वो महिला किस तरीके से क्या करेगी। 4 दिन मीडिया भी बोलती है, 4 दिन रिश्तेदार संबंध वाले भी आकर घर पर बैठते हैं, उसके बाद अभी पूरी जिंदगी पड़ी है, किस तरीके से वो कैसे वहन करेगी, ये भी सरकार को सोचना चाहिए था। 10 लाख रुपए दे देने से शायद काम नहीं चल पाएगा। शाही साहब 30 सेकंड क्या आश्वासन देना चाहेंगे? नितिन जी, हमारे भाई जो अभी कह रहे हैं कि 4 दिन बाद मीडिया बोलना बंद कर देगी और हम लोग बोलना बंद कर देंगे, उसके बाद कौन? उसके बाद सरकार, उसके बाद सरकार खड़ी है उनके साथ और अंत तक खड़ी रहेगी जब तक उनको न्याय नहीं मिल जाता है। बस ठीक है सर, नवेद भाई 30 सेकंड में आप बताइए कि क्या हो सकता है और क्या होना चाहिए सरकार की तरफ से। देखिए, अभी तक जो नजर आया है इस 4.5 साल की सरकार पे, बहुत शीर्ष स्तर पर पुलिस को इतनी छूट दे दी गई है, लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करने के नाम पर शीर्ष स्तर पर, मैं बार बार कह रहा हूं कि पुलिस को इतनी छूट दे दी गई कि इनके जनप्रतिनिधि जो हैं भारतीय जनता पार्टी के और इनके कार्यकर्ता, इनकी भी ये शिकायतें हैं कि पुलिस हमारी नहीं सुनती। हम जब न्याय की गुहार लगाते हैं तो पुलिस हमारी भी, क्योंकि उसको बहुत ऊपर से मैसेज मिलता है कि जो मर्जी आए करो, कानून व्यवस्था सुधार दो, वो सामंजस्य ठीक नहीं है। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की तमाम सरकारों का एक मॉडल है मायावती सरकार का। मैं मायावती सरकार को कतई पसंद नहीं करता था, तमाम उसमें खामियां थी, लेकिन कानून व्यवस्था को लेकर उसकी तारीफ करनी होगी। और एक मॉडल उसने पेश किया था मायावती सरकार ने, बहन मायावती की सरकार में एक चीज बेहतर थी कि कानून व्यवस्था भी बेहतर थी और पुलिस बेलगाम भी नहीं थी। ये दोनों चीजें साथ में होना जरूरी है और उस पर अमल करना चाहिए। और लॉ एंड ऑर्डर बेहतर बनाने के लिए कानून व्यवस्था भी बेहतर हो और पुलिस भी कम से कम हाथ, उसकी लगाम हाथ में सरकार के रहे, बेलगाम ना हो। ठीक है सर, सूबे का मुखिया काम करेगा तो यही होगा। ठीक है सर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस डिबेट में जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।